हेलो डी स्टूडेंट वेलकम टू अध्ययन सेतु एकेडमी आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट टेम्परेचर और थर्मल स्ट्रेस कि किस तरीके से किसी भी मेंबर में जब टेम्परेचर वेरिएशन होता है तो उसमें चेंजेस होते हैं और स्ट्रेस जनरेट होती है तो डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे लेट्स स्टार्ट द क्लास टेम्परेचर आर थर्मल स्ट्रेस जनरली टेम्परेचर या थर्मल स्ट्रेस कब प्रोड्यूस होती है किसी भी मेंबर में जब टेम्परेचर उस मेंबर के स्टैंडर्ड टेम्परेचर से वेरी करता है या तो इंक्रीज होता है या डिक्रीज़ होता है उस कंडीशन में उस मटेरियल में जो स्ट्रेस होती है दैट इज़ कॉल्ड टेम्परेचर आर थर्मल स्ट्रेसेस राइट और ये डिपेंड करता है स्पेशली कोफिशेंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन पे जो कि डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं तो इस पर टेम्परेचर स्ट्रेस या थर्मल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है और वेरी करती है मटेरियल टू मटेरियल राइट और जितना ज़्यादा टेम्परेचर में वेरिएशन होगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रे जनरेट होगी किसी भी मटेरियल में ओके okay. सपोज़ कोई एक एलिमेंट है कोई एक मेंबर है अपने पास उस मेंबर का मॉडल uh, साफ अपलास्टिसिटी ई है उसमें टेम्परेचर चेंज हो रहा है डेल्टी अमाउंट से टी सपोज इसका स्टैंडर्ड इस टेम्परेचर है तो डेल्टी अमाउंट से या तो टेम्परेचर डिक्रीज़ हो होगा या टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा टेम्परेचर वेरिएशन का मतलब है या तो डिक्रीज़ होगा या इंक्रीज़ होगा और उस पर्टिकुलर मटेरियल के लिए कॉफिशेंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन अल्फा है तो अल्फ़ा की वैल्यू हमें जनरली ये बताती है कि किसी भी मटेरियल में टेम्परेचर के वेरिएशन का किस तरीके से इफेक्ट पड़ेगा और बेसिकली जब हम दो मटेरियल को कंपेयर करते हैं वहाँ पे यह बहुत ही सिग्निफिकेंट होती है अल्फ़ा की वैल्यू कोफिशेंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन तो सपोज़ कोई एक मेम्बर है अपने पास और इसमें टेम्परेचर वेरिएसन हो रहा है टेम्परेचर बढ़ेगा टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये बॉडी इलॉन्गेट करेगी और टेम्परेचर अगर डिक्रीज होगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर से तो ये बॉडी कॉन्ट्रैक्ट करेगी दोनों ही सिचुएशन में डायमेंशन में चेंजेस आएंगे और जब डायमेंशन में चेंजेस आएंगे किसी भी मटेरियल में, तो उस कंडीशन में उस पर स्ट्रेस जनरेट होगी बट सबसे पहले ये हमें ध्यान रखना है कि किसी मटेरियल में टेंपरेचर चेंज की वजह से कितना डायमेंशन में चेंज होता है कितना वो बॉडी चेंज करती है तो चेंज इन लेंथ सपोज इस एलिमेंट की लेंथ एल है सो चेंज इन लेंथ ऑफ बार या फिर मेंबर ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन ऑफ डेल्टी अगर डेल्टी अमाउंट टेम्परेचर का वेरिएशन हो रहा है तो इस मेंबर की लेंथ में कितना चेंज होगा चेंज इन लेंथ डेल एल विल बी इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कि अगर मटेरियल का टेम्परेचर वेरी कर रहा है तो उसकी वजह से उसकी लेंथ में कितना चेंज आएगा और चेंज आएगा एल अल्फ़ा डेल्टा टी अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो मटेरियल की जितनी लेंथ होगी वो फ़िक्स रहेगी अल्फ़ा की वैल्यू कांस्टेंट है यहाँ पे जो वेरिएबल है दैट इज़ टेम्परेचर टेम्परेचर जिस मैग्नीट्यूड से वेरी करेगा उतना ज़्यादा लेंथ में चेंज होगा अब वो चेंज इंक्रीज हो सकती है लॉन्गेट हो सकती है और डिक्रीज हो सकती है वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर में वेरिएशन किस नेचर का हो रहा है राइट right? तो जनरली अगर कोई बॉडी फ्री है मूवमेंट करने के लिए इलोंगेट या कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए तो इलोंगेशन या कॉन्ट्रेक्शन तो होगा चेंज इन लेंथ तो आएगा उसमें बट अगर वो फ्रीली हो रहा है तो उसमें उस सिचुएशन में कोई थर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस नहीं होगी थर्मल स्ट्रेस कब प्रोड्यूस होगी जब हम उस चेंज को रिस्ट्रिक्ट करेंगे जितने मैग्नीट्यूड का चेंज होना होगा उस टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से अगर उस चेंज को रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा उस सिचुएशन में टेम्परेचर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी सपोज एक बार है अब यहाँ पर हमने इसके दोनों एंड को रिजिटली फ़िक्स किया हुआ सपोर्टेड किया हुआ है अब इस सिचुएसन में इसका मॉडल साफ अपलासिडिटी ई है टेम्परेचर वेरिएशन डेल्टी अमाउंट से हो रहा है और इसका कोफिसेंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन अल्फा है तो अगर इसके दोनों एंड हमने फिक्स कर रखे हैं तो इसमें होने वाला जो चेंज है उसको हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है टेम्परेचर की वजह से टेम्परेचर चेंज की वजह से इसमें डेल एल मैग्नीट्यूड का चेंज होना चाहिए लेकिन इस चेंज को सपोर्ट प्रोवाइड करके रिस्ट्रिक्ट किया गया है। तो इस कंडीशन में टेम्परेचर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी क्यों क्योंकि ये बॉडी क्या करेगी टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से एक्सपांड हो गया कॉन्ट्रैक्ट होगी और ये जो सपोर्ट है रिजिड है तो ये उस एक्सपांसन या कॉन्ट्रेक्शन को प्रिवेंट करेंगे रजिस्ट करेंगे और जब रजिस्ट करेंगे तो रजिस्टिव तो फोर्स अप्लाई होगा इस सपोर्ट के थ्रू और उस फोर्स के अकॉर्डिंग टेम्परेचर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी जो स्ट्रेस होगी उसको टेम्परेचर स्ट्रेस बोलेंगे अब कितने मैग्नीट्यूड का टेम्परेचर स्ट्रेस आएगा कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देख लेते हैं तो सबसे पहले अगर डायमेंशन में चेंज हो रहा है तो स्ट्रेन चाहिए हमें डायमेंशन में चेंज हुआ मीन्स उस बॉडी में स्ट्रेन आ रहा है तो नॉर्मल स्ट्रेन की अगर हम बात करें स्ट्रेन डेट इज अब ये होता है चेंज इन लेंथ वाई ओरिजिनल लेंथ तो अगर बॉडी में कोई सपोर्ट नहीं है बॉडी फ्री मूव कर रही है तो उस कंडीशन में जो लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन होगा वो हो जाएगा डेल एल वाई ओरिजिनल लेंथ बट इस स्ट्रेंथ की वजह से कोई स्ट्रेस नहीं आएगी तो हमें कौन सी स्ट्रेन चाहिए जिसकी वजह से स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी दैट इज एंड साइलेंट एल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्रिवेंटेड जितनी स्ट्रेन हम प्रिवेंट करेंगे रिस्ट्रिक्ट करेंगे उसकी वजह से थर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी तो प्रिवेंटेड यह हो जाएगा डेल एल प्रिवेंटेड डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ एक्चुअल में इस स्ट्रेन की वजह से थर्मल और टेम्परेचर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी तो यहाँ पर अगर हम देखें तो टोटल चेंज को रिस्ट्रिक्ट किया गया है जितना टेम्परेचर की वजह से चेंज होना चाहिए डेल एल इक्वल टू एल अल्फ़ा डेल्टा टी टोटल चेंज को रिस्ट्रिक्ट किया गया है तो यहाँ पर जो डेल एल प्रिवेंटेड होगा वो टोटल जो डेल एल प्रिवेंटेड की वैल्यू होगी वो होगी एल अल्फ़ा डेल्टा टी इस सिचुएसन में और सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी भी करेगा तो अगर हमें स्ट्रेंथ पता चल गया थर्मल अब ये एक्चुअल में थर्मल स्ट्रेन है तो अगर हमें थर्मल स्ट्रेंथ पता चल गया तो थर्मल स्ट्रेस हम बहुत ईजली कैलकुलेट कर सकते हैं सो so, टेम्परेचर या फिर इसी को हम बोलते हैं थर्मल स्ट्रेस सिग्मा टी स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है स्ट्रेस इक्वल टू स्ट्रेन इनटू मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी तो ये वैल्यू हो जाएगी ई इंटू अपसाइलन एल प्रिवेंटेड ई अपसाइलन एल की वैल्यू है डेल एल प्रिवेंटेड डिवाइड बाई एल ई इंटू डेल एल की वैल्यू है एल अल्फा डेल्टा टी डिवाइड बाई एल 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 कैंसिल हो जाएंगे तो जो एक्चुअल में थर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी उसका वेल well, उसकी उसका मैग्नीट्यूड होगा ई अल्फ़ा डेल्टा टी तो इतने मैग्नीट्यूड का थर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा इस रॉड में ड्यू टू वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर तो इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है एक्चुअल में जो स्ट्रेस थर्मल स्ट्रेस होगी वो होगी प्रिवेंटेड चेंज इन लेंथ की वजह से तो ये टर्म हमें ध्यान रखना है प्रिवेंटेड लेंथ या प्रिवेंटेड स्ट्रेन ये इंपॉर्टेंट टर्म है राइट right? चलिए अब इसके बाद नेचर क्या होगा जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी उसका नेचर क्या होगा दैट इज़ अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर नेचर ऑफ टेम्परेचर स्ट्रेस जो टेम्परेचर स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रही है उसका नेचर क्या होगा ये देख लेते हैं तो देखिए सपोज कोई एक एलिमेंट है इसके दोनों एंड को रिजिडली सपोर्ट किया गया है कहने का मतलब है कि इसमें जो होने वाला चेंज है उसको प्रिवेंट किया गया है कंप्लीटली अब इसमें टी को अगर हम इंक्रीज़ करते हैं पहला केस है अगर टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है इंक्रीज़ इन टेम्परेचर अगर टेम्परेचर में इंक्रीज़ किया जाता है उस कंडीशन में किस तरह की स्ट्रेस आएगी तो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो बॉडी क्या करेगी इलॉन्गेट होने की कोशिश करेगी इलॉन्गेट होने की कोशिश तो करेगी बट ये जो सपोर्ट है उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो इलॉन्गेशन को प्रिवेंट करने के लिए सपोर्ट के थ्रू एक कंप्रेसिव नेचर का लोड अप्लाई किया जाएगा इस मेम्बर पर इसकी ओरिजिनल पोजिशन में बनाए रखने के लिए और जब कंप्रेसिव नेचर का लोड लगेगा तो जो स्ट्रेस आएगी वो भी किस नेचर की होगी कंप्रेसिव नेचर की होगी तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो स्ट्रेस जो होगी वो कंप्रेसिव नेचर की होगी कंप्रेसिव स्ट्रेस विल बी प्रोड्यूस अगेन अगर कोई एक एलिमेंट है अपने पास इसके दोनों एंड को हमने रिजिडली सपोर्टेड किया हुआ है और यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो रहा है डिक्रीज इन टेम्परेचर इस कंडीशन में क्या होगा जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो ये बॉडी क्या है कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी लेकिन इस कॉन्ट्रेक्शन को ये जो सपोर्ट है वो रिस्ट्रिक्ट रजिस्ट करेगा बॉडी को उसकी पोजिशन में बनाए रखने के लिए उस कंडीशन में इस सपोर्ट के थ्रू मेंबर पे एक टेंसाइल नेचर का लोड एग्जिस्ट करेगा और जब लोड टेंसाइल नेचर का एग्जिस्ट करेगा तो जो स्ट्रेस आएगी किसी भी फाइबर पे किसी भी सेक्शन पे वो भी टेंसाइल नेचर की होगी तो टेंपरेचर अगर डिक्रीज होगा तो बॉडी में किस नेचर की स्ट्रेस आएगी टेंसाइल स्ट्रेस आएगी टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी तो नेचर हमें समझना है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो कंप्रेसिव नेचर की स्ट्रेस आएगी और अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो टेंसाइल स्ट्रेस या टेंसाइल टाइप की स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी उस पर्टिकुलर एलिमेंट में ओके okay. अब यहाँ पे देखते हैं जो हमने अभी समझा है प्रिवेंटेड का टर्म तो अब यहाँ पे तीन केस हैं फ़र्स्ट केस में एक एलिमेंट है इसमें एक एंड को फ़िक्स किया गया दूसरे एंड को फ्री छोड़ा गया है इसका लेंथ एल है अब इसमें अगर टेम्परेचर वेरिएशन सपोज़ डेल टी इंक्रीज किया जाता है इसकी वजह से ये बॉडी फ्री है इलॉन्गेट होने के लिए और जब बॉडी फ्री है इलॉन्गेट होने के लिए तो यहाँ पे जो डेल एल प्रिवेंटेड होगा वो ज़ीरो होगा क्योंकि टोटल का टोटल जो डेल एल है वो फ्री है मूव करने के लिए तो यहाँ पे कोई स्ट्रेस प्रोड्यूस नहीं होगी जो सिग्मा टेम्परेचर होगा वो जीरो होगा अगर केस सेकंड की बात करें तो यहाँ पे सपोज ये एक एलिमेंट है इसको सपोर्टेड किया गया है और इसमें डेल मैग्नीट्यूड का इलॉन्गेशन या चेंज अलाउ किया गया है इतने मैग्नीट्यूड के चेंज होने के बाद इसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है तो सपोज़ यहाँ पे जो डेल है दैट इज़ एल अल्फ़ा डेल्टा टी और प्रिवेंट कितने को किया गया है डेल एल प्रिवेंटेड कितना हो जाएगा दैट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस तो डेल एल प्रिवेंटेड इक्वल टू हो जाएगा एल अल्फा डेल्टा टी जितना टेम्परेचर के थ्रू वेरिएशन होना चाहिए उसमें जितना फ्री अलाउ किया गया उतना माइनस कर दें दैट इज़ डेल तो अब जो बचेगा उतने रिस्ट्रिक्ट या प्रिवेंट किया गया तो उसकी वजह से जो स्ट्रेस आएगी वो टेम्परेचर या थर्मल स्ट्रेस होगी तो अब जब हम कैलकुलेट करेंगे स्ट्रेस वहाँ पर ये वाला डेल एल यूज़ करेंगे स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए तो ये हमें ध्यान रखना है अब ये थर्ड केस है यहाँ पर सपोज डेल टी इंक्रीज किया गया है डेल टी की वजह से जो चेंज इन टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए चेंज इन लेंथ है वो कितना होगा एल अल्फा डेल्टा टी अब यहाँ पे टोटल का टोटल जो डेल एल है वो प्रिवेंटेड डेल एल है तो यही इक्वल हो जाएगा डेल एल प्रिवेंटेड के राइट right? तो अब यहाँ पे जो टेम्परेचर है थर्मल स्टर्स कैलकुलेट करेंगे इसमें टोटल की टोटल चेंज को हम कंसिडर करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि हम कैसे फॉर्मले को यूज़ करेंगे या कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे बहुत सिंपल सा है बस हमें कॉन्सेप्ट समझना है और इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा अ रॉड ऑफ़ स्टील इज़ 20 एम एम लॉन्ग एट अ टेम्परेचर ऑफ़ 20 डिग्री सेल्सियस एक स्टील की रॉड है जो कि ट्वेंटी एम एम लेंथ की है और ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है फाइंड द फ्री पांसन ऑफ रॉड वेन द टेम्परेचर इज रेज टू सिक्सटी स्टैंडर्ड टेम्परेचर उस रॉड का है ट्वेंटी डिग्री मतलब ट्वेंटी डिग्री पर उसको बनाया गया है उस पर इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे अब टेम्परेचर को इंक्रीज किया गया है अप टू सिक्सटी फाइव डिग्री सेल्सियस तो कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है वो देख लेंगे दोनों को माइनस करके उस चेंज आप टेम्परेचर में फ्री एक्सपांसन कितना होगा रॉड में वो कैलकुलेट करना है दैट इज़ अल्फा डेल्टा टी अगेन दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का फाइंड द टेम्परेचर स्ट्रेस अब इसकी वजह से जो टेम्परेचर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा वो भी हमें कैलकुलेट करना है किस किस केस में पहला केस है वैन द एक्सपांसन ऑफ द रॉड इज प्रिवेंटेड जब टोटल एक्सपांशन को ही प्रिवेंट किया गया उस केस में हमें स्ट्रेस निकालना है वैन द रॉड इज़ परमिटेड टू एक्सपांड बाई फाइव पॉइंट एट एम एम और दूसरा केस है जब रॉड को 5.8 पॉइंट एट एम एम एक्सपांड होने के लिए फ्री अलाउ किया गया है उसके बाद उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है उस केस में कितनी स्ट्रेस आएगी अल्फा की वैल्यू दिया गया है कोफिसेंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन और मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी दिया गया है तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है सबसे पहले हम इसमें फ्री एक्सपांसन कैलकुलेट कर लेते हैं सोल्यूशन गिवन पैरामीटर यहाँ पे लेंथ दिया गया है रॉड का दैट इज 20 एम चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं 65 डिग्री माइनस स्टैंडर्ड टेमपरेचर है ट्वेंटी डिग्री तो ये वैल्यू हो जाएगी फोटी फाइव डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर है उसके अलावा यहाँ पे मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी दिया गया है और कोफिशेंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन दिया गया है यह है टू इंटू टेन पावर फाइव न्यूटन पर एम एम स्क्वायर और यह है ट्वेल्व इंटू टेन पावर माइनस सिक्स पर डिग्री सेल्सियस ट्वेल्व इंटू टेन पावर माइनस सिक्स पर डिग्री सेल्सियस ये यूनिट होती है कॉफिशेंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन की पर डिग्री सेल्सियस तो ये बेसिकली स्टील है स्टील के लिए इतनी वैल्यू होती हैं और यहाँ पे जो डेल की वैल्यू दिया गया है जितना परमिट किया गया है दूसरे केस में दैट इज़ फाइव पॉइंट एट एम एम फाइंड आउट क्या करना है टू फाइंड आउट यहाँ पे पहले तो हमें निकालना है चेंज इन लेंथ या फ्री एक्सपांसन कितना हो रहा है और दूसरे कैटेगरी में हमें कैलकुलेट करना है थर्मल स्ट्रेस सिग्मा टी दो केस हैं वहाँ पे एक है कि टोटल एक्सपांशन को प्रिवेंट किया गया दूसरा है कुछ फ्री अलाउ किया गया एक्सपांशन तो टेम्परेचर है थर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस करने सबसे पहले पार्ट पे चलते हैं कि चेंज इन लेंथ कितना हो रहा है कैलकुलेशन चेंज इन लेंथ ऑफ रॉड दैट इज डेल एल या इसी को हम फ्री एक्सपांसन भी बोल सकते हैं यह हो जाएगा एल अल्फा डेल्टा टी एल की वैल्यू है ट्वेंटी एम अल्फ़ा की वैल्यू है ट्वेल्व इंटू टेन दस पावर माइनस सिक्स और डेल टी है फोर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस राइट तो यहाँ से हमें फ्री एक्सपांशन मिल जाएगा यह वैल्यू आ रही है ओके okay. तो यहाँ पे एक मिसिंग पैरामीटर है गलत वैल्यू लिखी हुई है जो ये लेंथ है दैट इज़ 20 मीटर नॉट 20 एम mm. एम जो रॉड की लेंथ है वो 20 मीटर है दैट इज़ 20 मीटर यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये हम एम mm एम में कन्वर्ट करेंगे कितना एक्सपांसन हो रहा है तो इसमें इंटू थाउजेंड भी करेंगे मीटर को एम mm एम में चेंज करेंगे ट्वेंटी को एम mm एम में चेंज करेंगे तो थाउजेंड से मल्टीप्लाई करेंगे ये वैल्यू अपने पास आ जाएगी टेन पॉइंट एट एम एम जो फ्री एक्सपांशन है वो टेन पॉइंट एट एम का हो रहा है रॉड में ओके सेकेंड पार्ट में चलते हैं टेम्परेचर स्ट्रेस टेम्परेचर स्ट्रेस पहले केस पे बात करते हैं पहले केस में टोटल एक्सपांसन को टोटल चेंज इन लेंथ को प्रिवेंट किया गया है उस केस में एक्सपांशन इज फुल्ली प्रिवेंटेड उस केस में सिग्मा थर्मल इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इक्वल टू होता है ई इन टू स्ट्रेन प्रिवेंटेड डायट फॉर्मला याद है बहुत अच्छा है नहीं आदत हम इसको बना सकते हैं और ई इंटू स्ट्रेंथ प्रिवेंटेड हो जाएगा डेल L प्रिवेंटेड डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ डेल L प्रिवेंटेड डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ तो यहाँ पे टोटल जो डेल L है वो प्रिवेंटेड ही है तो डायरेक्टली डेल L बाई एल हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे तो E की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा T इक्वल टू टू इंटू टेन पावर फाइव इन डेल एल अभी हमने कैलकुलेट किया है टेन पॉइंट टेन पॉइंट एट डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ है अपने पास ट्वेंटी इंटू थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर दें तो यह mm में कन्वर्ट हो जाएगा तो यहां से जो सिग्मा टी आ रहा है अपने पास थर्मल स्ट्रेस जो आ रही है दैट इज वन जीरो एट न्यूटन पर एम एम स्क्वायर तो अगर टोटल एक्सपांशन को प्रिवेंट कर दें तो मटेरियल में रॉड में इतने मैग्नीट्यूड का टेम्परेचर स्ट्रेस आएगा दूसरा केस है न फाइव पॉइंट एट एम एम एक्सपांशन इज अलाउड उस केस में जो टेम्परेचर स्ट्रेस है वो हो जाएगा ई इंटू अप्साइल प्रिवेंटेड ई इंटू अप्साइलन प्रीवेंटेड मीन्स डेल एल प्रिवेंटेड डेल एल प्रिवेंटेड डिवाइड बाई औरिजिनल लेंथ राइट अब यहाँ पर जो डेल एल प्रिवेंटेड है वो कितना है ये हमें ध्यान रखना है तो ई इन टू डेल एल प्रिवेंटेड टोटल डेल एल कितना है और उसमें से इतना फ्रिक्स पांसन अलाउ किया गया है तो डेल एल माइनस डेल डिवाइड बाई औरिजनल लेंथ ई की वैल्यू एज इट इज डिवाइड बाई एल डेल एल माइनस डेल डेल एल अपने पास आया है 10.8 माइनस डेल कितना अलाउ किया गया फ्री 5.8 5.8 इतना फ्री अलाउ किया गया दोनों में टोटल एक्सपांसन में फ्री वाले को माइनस कर देंगे तो एक्चुअल डेल एल प्रिवेंटेड हमें मिल जाएगा अब यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर लें ई e की वैल्यू है टू इंटू टेन दस पावर फाइव इंटू दोनों को माइनस कर लेंगे टेन पॉइंट माइनस डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ है ट्वेंटी ट्वेंटी इंटू थाउजेंड एम में कन्वर्ट कर लेंगे तो यहां से जो डेल थर्मल है वो मिल जाएगा हमें और इसकी वैल्यू आ रही है फिफ्टी न्यूटन पर एमएम स्क्वायर राइट तो इतने मैग्नीट्यूड का थर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा अगर हम दूसरे केस पे डील करते हैं जबकि 5.8 पॉइंट mm एमएम का फ्री एक्सपांसन अलाउ किया गया है तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है यहाँ पे कि एक्चुअल में कितना एक्सपांसन रजिस्ट किया रजिस्ट्रिक्ट किया गया है और उसी की वजह से आपको थर्मल और टेम्परेचर स्ट्रेस मिलेगी नेक्स्ट टॉपिक है टेम्परेचर आर थर्मल स्ट्रेस ऑन कंपोजिट मेंबर अभी हमने इंडिविजुअल मेंबर या इंडिविजुअल बार को डील किया कि उसमें टेम्परेचर वेरिएशन होगा तो किस तरह से कितनी स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी अब अगर आपके पास कंपोजिट मेंबर है आपने दो या दो से ज़्यादा मेंबर को मिला के कोई एक सिंगल यूनिट बनाया है उस कंडीशन में टेम्परेचर वेरिएशन का क्या इफेक्ट आएगा और किस तरह से किस मैग्नीट्यूड में कितने कितने किस मटेरियल में कितने कितने मैग्नीट्यूड का स्ट्रेस आएगा हमें ये देखना है तो सपोज़ एक कोई हमने मेंबर प्रिपेयर किया है बार प्रिपेयर किया है दो मटेरियल को मिला के सपोज फर्स्ट वन इज़ स्टील एंड सेकेंड वन इज कॉपर फॉर एग्जाम्पल जनरल कंसिडरेशन के लिए हमने कॉपर रिज्यूम कर लिया तो दो को मिला के हमने एक सिंगल यूनिट बनाया है और इनको कंपोजिट बना दिया मतलब अब दोनों एक साथ बिहेव करेंगे ऐसा नहीं कि दोनों अलग अलग बिहेवियर देंगे अब यहाँ पे पहला केस जो हम देख रहे हैं वन टेम्परेचर इंक्रीजेज अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उस केस में क्या बिहेवियर आएगा क्या चेंजेस आएंगे वो हम देखते हैं तो डेल टी जो है यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है राइट ओवरऑल लेंथ सपोज एल है दैट इज ओवरऑल लेंथ अब जब टेम्परेचर एक्सपा और इनके लिए जो अल्फ़ा की वैल्यू है सपोज ई e मटेरियल अगर आपको पता है तो उनके लिए मॉडल्स ऑफ प्लास्टिसिटी आपको पता होगा कि स्टील की कितनी है और मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी कॉपर की कितनी है अल्फ़ा की वैल्यू आपको मालूम होगी अल्फ़ा स्टील कितना है और अल्फा कॉपर कितना है बेसिकली अल्फा स्टील जो है वो होता है ट्वेल्व इंटू टेन डिस पावर माइनस सिक्स पर डिग्री सेल्सियस और अल्फा कॉपर होता है सिक्सटीन इंटू टेन पावर माइनस सिक्स पर डिग्री सेल्सियस तो ये फिक्स मटेरियल प्रॉपर्टी होती हैं तो ये फिक्स वैल्यू रहती हैं जिस तरीके से मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी फिक्स वैल्यू रहती है मटेरियल टू मटेरियल स्टील के लिए होता है टू इंटू टेन पावर फाइव न्यूटन पर एमएम स्क्वायर ओके अब यहाँ पे जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो बॉडी में या मेम्बर में इलॉन्गेशन होगा एक्सपांड करेंगी बॉडी अगर हम इंडिविजुअल डील करते हैं दोनों को अगर इंडिविजुअल कॉपर को हालांकि ये एक सिंगल यूनिट है अगर हम इंडिविजुअल डील करते हैं कॉपर को और इंडिविजुअल डील करते हैं स्टील को उस केस में क्या होगा तो एक्सपांसन दोनों में होगा लेकिन ज़्यादा एक्सपांसन किस में होगा कम एक्सपांशन किस में होगा ये हमें पता चलेगा अल्फ़ा की वैल्यू से जिसके लिए कॉफी ऑफ थर्मल एक्सपांसन ज़्यादा होगा उसमें टेम्परेचर वेरिएशन का ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और जिसमें कम होगा अल्फा की वैल्यू उसमें टेम्परेचर वेरिएशन का कम इफेक्ट पड़ता है तो एक्सपांड तो दोनों करेंगी बट ज़्यादा कौन करेगी जिसके लिए अल्फा की वैल्यू ज़्यादा हो तो यहाँ पर कॉपर के लिए अल्फ़ा की वैल्यू ज़्यादा है तो जो इंडिविजुअल एक्सपांसन होगा वो कॉपर में ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू स्टील एक्सपांड दोनों करेंगी बट कॉपर ज़्यादा एक्सपांड करेगा तो सपोज अगर हम अभी इंडिविजुअल डील करते हैं दोनों को एक साथ डील ना करके तो कॉपर एक्सपांड होके सपोज यहां पे आ गया और स्टील एक्सपांड होके यहां पे आ गया अल्फा की वैल्यू कॉपर की ज़्यादा है तो कॉपर ज़्यादा एक्सपांड होगा स्टील की कम है तो स्टील कम एक्सपांड होगा बट एक्सपांड एक्सपांसन दोनों में होगा लेकिन एक्चुअल में होना क्या चाहिए अगर ये कंपोजिट मेंबर है तो दोनों में सिमिलर मैग्नीट्यूड का एक्सपांसन होना चाहिए दोनों अलग अलग बिहेव नहीं करने चाहिए ठीक एक्चुअल में ये एक्सपांसन हुआ कितना यहाँ से लेके यहाँ तक जो एक्सपांसन है दैट इज़ एल अल्फ़ा कॉपर डेल्टा टी क्योंकि ये जो एक्सपांसन है वो टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से हो रहा है और स्टील में जो एक्सपांसन हुआ तो ये वैल्यू हो जाएगी एल अल्फा स्टील डेल्टा टी क्योंकि ये जो टेम्परेचर में वेरिएशन हो रहा है ये जो एक्सपांसन हो रहा है टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से हो रहा है राइट right? तो एल कॉफर डेल्टा अल्फ़ा डेल्टा टी और एल अल्फ़ा स्टील डेल्टा टी दोनों में इंडिविजुअल एक्सपांसन होगा बट अगर ये सिंगल यूनिट है तो दोनों में एक्सपांसन सिमिलर मैग्नीट्यूड का होना चाहिए तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो फाइनल चेंज है दोनों में सपोज यहाँ तक हो रहा है राइट right? ये अपनी फाइनल चेंज लाइन है फ़ाइनल चेंज लाइन दोनों मटेरियल जब फाइनली एक्सपांड होंगे तो वो यहाँ पे आके रुकेंगे रुकने चाहिए एक साथ अगर दोनों में एक्सपांसन होगा तो इसके लिए होगा क्या इंटरनली सपोर्ट पे ये जो एक्स्ट्रा एक्सपांसन इंडिविजुअली हो रहा है सपोर्ट इसमें एक कंप्रेसिव नेचर का लोड अप्लाई करेगा ताकि ये इस फाइनल चेंज की लाइन तक आए और यहाँ पे सपोर्ट के थ्रू इस स्टील वाले रॉड पे एक टेंसाइल नेचर का लोड अप्लाई होगा जिसकी वजह से ये फाइनल चेंज लाइन पर तक एक्सपांड होगा और दोनों में जो फाइनल चेंज होगा वो इक्वल होगा सपोज़ तो अब यहाँ पे अगर इस कॉपर की रॉड में कंप्रेसिव नेचर का लोड एक्ट कर रहा है तो कॉपर में जो स्ट्रेस आएगी टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से वो कंप्रेसिव नेचर की होगी और स्टील में एक टेंसाइल नेचर का लोड एक्ट कर रहा है तो स्टील में जो स्ट्रेस आएगी वो टेंसाइल नेचर की स्टील होगी स्ट्रेस होगी राइट तो ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि जो टेम्परेचर वेरिएशन हो रहा है उसकी वजह से दोनों मेंबर में जो स्ट्रेस आएगी वो किस नेचर की होगी राइट right? और ये फिक्स नहीं रहता वेरी करता है अगर टेम्परेचर में चेंज जो है वो अलग तरीके का होगा डिक्रीज होगा तो ये नेचर भी चेंज हो जाएगा स्टील में अलग तरह की स्ट्रेस आएगी और कॉपर में अलग तरह की स्ट्रेस आएगी राइट right? अगर स्पेशली टेम्परेचर इंक्रीज की हम बात कर रहे हैं तो इस केस में जिस मटेरियल के लिए अल्फ़ा की वैल्यू ज़्यादा होगी उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा और जिस मटेरियल में अल्फ़ा की वैल्यू कम होगी उसमें स्ट्रेस आएगा क्यों आएगा यहाँ पे हम रीज़न समझ चुके हैं अब ये मटेरियल इस कंप्रेसिव फोर्स की वजह से इतना मैग्नीट्यूड जो है वो कंप्रेस होकर फाइनल लाइन में आएगा तो ये जो चेंज इन लेंथ होगा यहाँ से यहाँ तक का ये होगा इस कंप्रेसिव लोड की वजह से और इस कंप्रेसिव लोड की वजह से ओके तो इस कंप्रेसिव लोड की वजह से जो ये चेंज आ रहा है इतने मैग्नीट्यूड का यह कितनी वैल्यू होगी इसकी ये वैल्यू होगी आपके पास ये केस बन गया है कि कोई रॉड है कोई मटेरियल है कोई मेंबर है इसमें एक्सीयल लोड अप्लाई किया गया है P और ये लेंथ L है तो इस एक्सियल लोड की वजह से कितना चेंज आएगा इसमें ये हो जाएगा पी एल डिवाइड बाई ए और पी वाई ए को हम सिग्मा भी लिख सकते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी सिग्मा एल वाई ई तो एक्सीयल लोड की वजह से जो चेंज आएगा लेंथ में दैट इज़ सिग्मा एल वाई ई तो यहाँ पे जो इतने मैग्नीट्यूड का चेंज आ रहा है दैट इज़ सिग्मा कॉपर एल डिवाइड बाई ई कापर क्योंकि हमें कॉपर की मटेरियल में कॉपर की रॉड में डिस्कस कर रहे हैं अगेन अगर हम स्टील की रॉड में देखें यहाँ पे टेंसाइल नेचर का लोड लगेगा सपोर्ट पे अब टेंसाइल लोड की वजह से इतने मैग्नीट्यूड का चेंज आएगा तब ये फाइनल चेंज लाइन पे पहुँचेगा तो ये चेंज भी एक्चुअली स्टेंसाइल नेचर की लोड की वजह से हो रहा है टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से नहीं हो रहा है तो ये जो चेंज है ये भी एक्सीयल केस है तो यहाँ पर जो चेंज होगा दैट इज सिगमा स्टील एल डिवाइड बाई ई स्टील अब अगर हमें फाइनल चेंज कैलकुलेट करना है कि दोनों में फाइनल चेंज कितना हो रहा है तो कॉपर वाले में टोटल थर्मल चेंज को माइनस कर दें हम इस लोड के चेंज से और स्टील में और स्टील के रॉड में जो फाइनल चेंज होगा उसमें थर्मल चेंज में प्लस ऐड कर दें ये चेंज जो कि लोड की, की वजह से आया है तो हमें फाइनल चेंज मिल जाएगा तो अगर हमें फाइनल चेंज कैलकुलेट करना है दोनों में

दोनों में सेम होना चाहिए क्योंकि दोनों कंपोजिट मेंबर हैं सिंगल यूनिट है अब यहाँ पे जब हम स्टील में फाइनल चेंज कैलकुलेट करेंगे तो स्टील में टेम्परेचर की वजह से कितना चेंज हुआ और प्लस हमें यहाँ तक आना है यहाँ से ओरिजिनल मेंबर से लेके कर यहाँ तक मूव करना है तो टेम्परेचर की वजह से चेंज और इस टेंसाइल लोड की वजह से चेंज कितना हुआ टेम्परेचर की वजह से चेंज हो रहा है एल अल्फ़ा स्टील डेल्टा टी उसमें हम ऐड करेंगे सिग्मा स्टील एल डिवाइड बाई ई स्टील राइट इक्वल टू फाइनल चेंज इन कॉपर कॉपर में जब हम फाइनल चेंज कैलकुलेट करेंगे तो टेम्परेचर चेंज माइनस लोड की वजह से चेंज तो टेम्परेचर चेंज आया है, अपने पास एल अल्फा कॉपर डेल्टा टी माइनस लोड की वजह से चेंज आएगा वो हो जाएगा सिग्मा कॉपर एल डिवाइड बाई ई कॉपर राइट अब यहाँ पे सिग्मा वाले टर्म को एक साथ अपन रखते हैं तो ये वैल्यू माइनस या इधर आके प्लस हो जाएगी सिग्मा कॉपर प्लस सिग्मा स्टील राइट और यहां पे डिवाइड बाई ई कॉपर और डिवाइड बाई ई स्टील और साथ ही साथ लेंथ जो है वो कॉमन अपन बाहर निकाल लेंगे यहां पे तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों एक साइड रख लिया है वहां पे सिग्मा एस वाई ई एस और सिग्मा सी यू वाई ई सी यू एक साथ हो गया है प्लस साइन के साथ और साथ ही जो लेंथ है वो कॉमन है या फिर यहाँ से हम लेंथ को कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पे भी लेंथ है यहाँ पे भी लेंथ है यहाँ पे भी लेंथ का टर्म है और ये भी लेंथ का टर्म है तो ये लेंथ हम कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ पे लेंथ का टर्म नहीं बचेगा अगेन दूसरे एंड में क्या होगा दूसरे एंड में अल्फ़ा कॉपर डेल्टा टी ऑलरेडी है और ये वैल्यू इधर आके माइनस हो जाएगी अल्फा स्टील डेल्टा टी तो माइनस अल्फ़ा स्टील और डेल्टा टी दोनों में कॉमन है तो डेल्टा टी यहां पे बाहर से रख दिया अपन ने तो ये वैल्यू अपने पास बचेगी यहां पे दैट इज इक्वेशन नंबर वन फाइनल चेंज को हमने इक्वल किया है दोनों साइड में अगर आप ध्यान से देखें अगर इस फॉर्मूले को याद रखना हो कॉन्सेप्ट समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं अगर हमें इसे याद रखना है तो दोनों साइड की जो इक्वेशन है वो स्ट्रेन के फॉर्म में बन रही है इधर सिग्मा वाई ई स्ट्रेन होता है प्लस सिग्मा वाई ई अगेन स्ट्रेन है और अल्फा इंटू डेल्टा टी भी स्ट्रेन होता है तो अल्फ़ा सी यू डेल्टा टी और अल्फा एस डेल्टा टी ये भी स्ट्रेन का तो ये कंप्लीट जो इक्वेशन है वो स्ट्रेन के फॉर्म में रखी गई है राइट अब हमें दो अननोन फाइंड आउट करने हैं सिग्मा स्टील और सिग्मा कॉपर तो दो इक्वेशन होनी चाहिए अपने पास एक इक्वेशन तो यहाँ पे हमने बना ली है चेंज की हेल्प से अब दूसरी इक्वेशन जो है वो कैसे बनेगी तो देखिए जो यहाँ पे सपोर्ट के थ्रू एक एंड में कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है और दूसरे में टेंसाइल फोर्स लग रहा है तो ये कंप्रेसिव और टेंसाइल फोर्स एक ही सपोर्ट के द्वारा लगाए जा रहे हैं जिसकी वजह से इनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा तो सी विल बी इक्वल टू टी होगा यहाँ पे तो जो सेकेंड इक्वेशन हमें मिलेगी नाव कंप्रेसिव फोर्स विल भी इक्वल टू टेंसाइल फोर्स सी विल भी इक्वल टू टी और फोर्स इक्वल टू क्या होता है स्ट्रेस इन टू एरिया तो कंप्रेसिव फोर्स किस में आ रहा है कॉपर में तो कॉपर की स्ट्रेस कॉपर का एरिया इक्वल टू टेंसाइल फोर्स आ रहा है स्टील में तो स्टील पर स्ट्रेस और स्टील का एरिया तो दूसरी इक्वेशन हमें यहाँ से मिल गई इसको और सिंप्लीफाई अगर हम कर लें तो कौ। सिग्मा कॉपर विल बी इक्वल टू सिग्मा स्टील ए एस डिवाइड बाई ए सी यू ये वैल्यू हमें पता रहेगी क्योंकि डायमेंशन हमें पता है दोनों रॉड के तो यहाँ पे दूसरी इक्वेशन मिल गई यहाँ से सिग्मा सी यू की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर वन में पुट करके सिग्मा एस कैलकुलेट कर सकते हैं और अगेन यहाँ पे सिग्मा एस की वैल्यू पुट करके सिग्मा सी यू फाइंड आउट कर सकते हैं तो इस तरीके से बाय सॉल्विंग Equation one and two, we can get sigma steel and sigma copper. तो इस तरीके से अगर कंपोजिट मेंबर है उसमें टेम्परेचर वेरिएशन हो रहा है तो हम दोनों मेंबर में प्रोड्यूस होने वाली स्ट्रेस को कैलकुलेट कर सकते हैं हमें ध्यान रखना है यहाँ पे कि किस कि 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 मेंबर में किस नेचर की स्ट्रेस आएगी वो देखना पड़ेगा अल्फ़ा की वैल्यू जनरली डिसाइड करेगी कि किस कि कि में किस नेचर की स्ट्रेस आएगी अगर यही केस हम टेम्परेचर डिक्रीज के कंडीशन में डील करते हैं अगर हम सेकेंड केस देखें वेन टेम्परेचर ड्रीजेज डेल्टी डिक्रीज हो रहा है कम हो रहा है सो अगेन यहाँ पे हमने एक कंपोजिट मेंबर लिया इस कंपोजिट बार में हमने दो मेंबर यूज़ किए हैं सपोज एक स्टील की रॉड है और एक कॉपर की रॉड है अल्फा स्टील होता है 12 इंटू टेन पावर माइनस सिक्स पर डिग्री सेल्सियस और अल्फा कॉपर होता है 16 इंटू टेन पावर माइनस सिक्स पर डिग्री सेल्सियस राइट अब जब यहां पे टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो हालांकि ये भी कंपोजिट मेंबर है इन दोनों में जो चेंज होना चाहिए वो एक जैसा होना चाहिए पर अगर हम इंडिविजुअल डील करते हैं कॉपर की रॉड को और स्टील की रॉड को तो इंडिविजुअली दोनों में कंपरेचर डिक्रीज हो रहा है तो कंप्रेशन होगा कांटेक्ट करेंगे दोनों रॉड अब इंडिविजुअल क्या इफेक्ट आएगा वो देख लेते हैं तो ये हमें अल्फ़ा से पता चलेगा कि किसमें ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा किस में कम कॉन्ट्रेक्शन होगा अल्फ़ा की वैल्यू कॉपर के लिए ज़्यादा है तो कॉपर ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा और स्टील के लिए कम है तो स्टील कम कॉन्ट्रेक्ट करेगा तो सपोज़ यहाँ पे कॉपर की रॉड कॉन्ट्रैक्ट होके इतने मैग्नीट्यूड का कॉन्ट्रेक्शन हुआ कॉपर में और ये कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है स्टील रॉड में यह वैल्यू कितनी होगी राइट यह वैल्यू हो जाएगी एल अल्फा कॉपर डेल्टा टी ये कितना होगा Exactly ये हो जाएगा एल अल्फा स्टील डेल्टा टी क्योंकि ये जो वेरिएशन हो रहा है वो थर्मल चेंज की वजह से हो रहा है टेम्परेचर चेंज की वजह से हो रहा है अगेन जैसा कि एक कंपोजिट मेंबर है सिंगल यूनिट है तो जो चेंज होना चाहिए फाइनल चेंज दोनों में सेम होना चाहिए तो हमने एज्यूम कर लिया है कि जो फाइनल चेंज होगा फाइनल चेंज लाइन होगी वो ये है दोनों कॉन्टेक्ट होने के बाद इस लाइन पे आके रुकेंगे that is final change line. Right? अब यहां पे सपोर्ट क्या इफेक्ट डालेगा वो देखना है हमें ठीक है ना तो फाइनल चेंज लाइन के तक पहुंचने के लिए सपोर्ट को कॉपर की रॉड में क्या करना पड़ेगा एक पुलिंग नेचर का लोड अप्लाई करना पड़ेगा तो सपोर्ट के थ्रू कॉपर की रॉड में एक पुलिंग नेचर का लोड लगेगा इज टेंसाइल लोड लगेगा तब ये इस फाइनल चेंज लाइन तक आएगा और इस सपोर्ट के थ्रू स्टील के रॉड में एक कंप्रेसिव नेचर का लोड अप्लाई होगा तब ये इस फाइनल चेंज लाइन तक पहुंचेगा तो अब यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल चेंज हो गई हैं कॉपर की रॉड में टेंसाइल नेचर का लोड लग रहा है तो कॉपर में टेंसाइल स्ट्रेस आएगी और स्टील की रॉड में कंप्रेसिव नेचर का लोड लग रहा है तो स्टील में कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगी तो टेम्परेचर वेरिएशन अगर चेंज हुआ तो नेचर ऑफ स्ट्रेस भी चेंज हो जाता है क्लियर और जो ये चेंज होगा लेंथ में ये कितना होगा ये ध्यान रखिए अब ये जो चेंज होगा वो लोड की वजह से होगा एक्सियल लोड की वजह से होगा तो ये जो वैल्यू है स्टील के लिए अगेन ये हो जाएगी सिग्मा स्टील लेंथ डिवाइड बाई ई स्टील और जो ये वैल्यू है कॉपर के लिए ये वैल्यू हो जाएगी सिग्मा कॉपर लेंथ इंटू ई कॉपर अब अगर हमें फाइनल चेंज चाहिए तो ओवरऑल चेंज में इतना माइनस कर दो कॉपर के लिए और ओवरऑल चेंज में यह वैल्यू प्लस कर दो स्टील के लिए तो हमें फाइनल चेंज मिल जाएगा क्योंकि कंपोजिट मेंबर है तो जो ओवरऑल चेंज होना चाहिए वो सेम होना चाहिए सो फाइनल चेंज ऑफ स्टील रॉड शुड बी इक्वल टू फाइनल चेंज ऑफ कॉपर रॉड अब स्टील के रॉड में थर्मल चेंज आया था एल अल्फा स्टील डेल्टा टी उसमें हमें प्लस करना है जो एक्सियल चेंज हुआ है सिग्मा L, e स्टील एल ई स्टील कॉपर के केस में जो थर्मल चेंज आया है दैट इज एल अल्फा कॉपर डेल्टा टी उसमें हमें माइनस करना है एक्सीएल चेंज को सिग्मा कॉपर एल ई कॉपर ठीक अब दोनों में सिग्मा वाले टर्म एक साइड लिख लेते हैं अपन तो सिग्मा कॉपर डिवाइड बाई ई कॉपर प्लस सिग्मा स्टील डिवाइड बाई मॉडल ऑफ प्लास्टिस ऑफ स्टील लेंथ दोनों साइड में कॉमन है कैंसिल आउट हो जाएगा इक्वल टू अब अल्फा वाले टर्म को दूसरे साइड ले जाएंगे तो इधर बचेगा अल्फ़ा सी यू माइनस अल्फा स्टील और यहाँ पर डेल्टी कॉमन तो ये पहली इक्वेशन हो गई ये भी स्ट्रेन के टर्म में दूसरी इक्वेशन के लिए हमें कंप्रेसिव फोर्स इक्वल टू टेंसाइल फोर्स होगा कंप्रेसिव फोर्स विल बी इक्वल टू फोर्स। तो कंप्रेसिव फोर्स किस में आ रहा है कंप्रेसिव फोर्स आ रहा है स्टील में तो स्टील में जब कंप्रेसिव फोर्स एक्ट करेगा तो ये हो जाएगा सिग्मा स्टील इनटू एरिया ऑफ स्टील इक्वल टू कॉपर में टेंसाइल फोर्स लग रहा है फोर्स इक्वल टू तो स्ट्रेस इनटू एरिया तो सिग्मा कॉपर इनटू ए कॉपर अब इसको हम और सिंपलीफाई कर सकते हैं यहाँ से तो सिग्मा स्टील इक्वल टू हो जाएगा एरिया कॉपर डिवाइड बाई एरिया स्टील इंटू सिग्मा कॉपर एरिया में पता रहेगा वैल्यू पुट करेंगे तो ये सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी अगेन दोनों को सॉल्व करके बाई सॉल्विंग वन एंड टू वी कैन गेट सिगमा स्टील एंड सिग्मा कॉपर वेरी इजली तो इस तरीके से टेम्परेचर चाहे डिक्रीज हो या इंक्रीज हो स्टैंडर्ड टेम्परेचर से अगर कंपोजिट मेंबर है तो दोनों मेंबर में कितने मैग्नीट्यूड का स्ट्रेस आ रहा है हम कैलकुलेट कर सकते हैं और उस स्ट्रेस का नेचर क्या है यह भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं राइट अब यहाँ पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं कंपोजिट मेंबर के लिए अगन मेटल रॉड एक चीज और ध्यान रखनी है केस कुछ भी हो जो आपका इक्वेशन बन रही है पहली इक्वेशन उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है ठीक तो तरीका दोनों के लिए सेम होगा इक्वेशन दोनों के लिए सेम होगी बस नेचर अलग अलग आएगा वो हमें पता चल जाएगा अल्फा की वैल्यू से अ गन मेटल रॉड ट्वेंटी टू एम एम डाया मीटर स्क्र्यूड एट एंड पासिस थ्रू अ स्टील ट्यूब ट्वेंटी फाइव एम एम एंड थर्टी एम एम इंटरनल एंड एक्सटर्नल डाया मीटर मतलब एक गन मेटल की रॉड है जिसका डाया मीटर है ट्वेंटी टू एम एम उसको इंसर्ट किया गया है एक स्टील ट्यूब में ट्यूब का इंटरनल डायमीटर है ट्वेंटी फाइव एम और एक्सटर्नल डायमीटर है थर्टी एम राइट एंड द टेम्परेचर ऑफ़ द होल असेंबली इज रेज टू 116 डिग्री सेल्सियस जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है होल असेंबली का कंपोजिट मेंबर का वो 116 डिग्री सेल्सियस है एंड द नट ऑन द रॉड आर देन स्क्रूड लाइटली एट द एंड और एंड पे ट्यूब के एंड पे नट को टाइट किया गया है मतलब सपोर्ट पे से या फिक्स सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है एंड पे मतलब चेंज को रिस्ट्रिक्ट किया गया है फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस इन द रॉड एंड इन ट्यूब वैन कॉमन टेम्परेचर हैज़ फॉलन टू सिक्सटीन डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर एक सौ सोलह डिग्री से सोलह डिग्री पे आके डिक्रीज हो रहा है तो उस कंडीशन में स्टील में और स्टील ट्यूब में और गन मेटल की रॉड में कितना स्ट्रेस आ रहा है ये कैलकुलेट करना है हमें यहाँ पे वैल्यू तो यह दी गई मटेरियल प्रॉपर्टी कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन फॉर स्टील थर्मल एक्सपांशन फॉर गन मेटल मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी फॉर स्टील एंड मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी फॉर गन मेटल तो ये मटेरियल की प्रॉपर्टी दी गई है तो सेम केस है कंपोजिट मेंबर का केस है इसी के लिए हमें स्टील में और गन मेटल की रॉड में स्ट्रेस कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले देख लेते हैं इस असेंबली को फिगर कैसे बनेगा तो यहाँ पे अपने पास एक ट्यूब है सपोज ये दैट इज़ ट्यूब ऑफ स्टील अब ट्यूब है तो इसमें एक इंटरनल डायमीटर होगा और एक एक्सटर्नल डायमीटर होगा दैट इज अ स्टील ट्यूब राइट यहाँ पे हमने एक गन मेटल की रॉड को इंसर्ट किया है जिसका डायमीटर मीटर ऑब्वियसली स्टील ट्यूब के इंटरनल डायमीटर से कम ही होगा तभी इंसर्ट करेंगे इसमें सपोज ये गन मेटल की रॉड है जिसका डाया मीटर टू एम mm है अब इसमें सपोर्ट पे नट टाइट किए गए हैं नट प्रोवाइड किए गए हैं सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए राइट right. तो इस तरह की असेंबली है जिसका जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है वो है 116 डिग्री सेल्सियस और टेम्परेचर को डाउन किया गया है 16 तक तो जो डेल टी होगा वो हो जाएगा 116 डिग्री माइनस सिक्सटीन दैट इज हंड्रेड डिग्री सेल्सियस इतने चेंज ऑफ टेम्परेचर है डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर के लिए हमें इस असेंबली में दोनों मेंबर में कितनी स्ट्रेस आ रही है वो कैलकुलेट करनी है जो यहाँ पे गन मेटल की रॉड है इसका डायमीटर है ट्वेंटी टू एम एम और यहाँ पे जो स्टील है उसका इंटरनल डायमीटर है ट्वेंटी फाइव एम एम और एक्सटर्नल डायमीटर है थर्टी एम एम एक्सटर्नल डायमीटर है थर्टी एम एम तो ये एक कंपोजिट मेंबर का केस है दो अलग अलग मेंबर हैं दोनों बिल्कुल डिजली कनेक्टेड हैं उस केस में टेम्परेचर डिक्रीज किया गया है तो दोनों में स्ट्रेस पूछा गया है तो जो अभी हमने कॉन्सेप्ट सीखा है उसी कॉन्सेप्ट को हमें यूज़ करना है सबसे पहले यहाँ पर हमें गिवन वैल्यू ठीक है गिवन वैल्यू जो दी गई वो हम पुट कर लेंगे गिवन में बाकी डेटा अपन यहाँ पे दिखा चुके हैं डायग्राम में डायमेंशंस वगैरह तो चाहे तो हम यहाँ पे एरिया कैलकुलेट कर लें एरिया ऑफ गन मेटल गन मेटल का एरिया सर्कुलर है तो पाई बाई फोर इंटू ट्वेंटी टू स्क्वायर हो जाएगा और एरिया ऑफ स्टील ट्यूब ये हो जाएगा जो सॉलिड वाला पोर्शन उसका एरिया हमें चाहिए तो पाई बाई फोर इंटू जो लार्जर डायमीटर है वो माइनस जो स्मालर डायमीटर है वो लार्जर डायमीटर है थर्टी स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फाइव स्क्वायर तो यहाँ से हमें दोनों के एरिया मिल जाएंगे उसके बाद ई e की वैल्यू दिया गया है ई एस ई गन मेटल और अल्फ़ा की वैल्यू दिया गया है अल्फा स्टील अल्फ़ा गन मेटल अल्फा स्टील है 12 इंटू टेन डस पावर माइनस सिक्स और ये है 20 इंटू टेन डस पावर माइनस सिक्स पर डिग्री सेल्सियस पर डिग्री सेल्सियस तो यहाँ पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अल्फ़ा की वैल्यू गन मेटल के लिए ज़्यादा है स्टील से तो अल्फा में टेम्पेचर वेरिएशन का इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा सॉरी गन मेटल में टेम्परेचर वेरिएशन का इफेक्ट ज़्यादा आएगा जब टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो गन मेटल इंडिविजुअली ज़्यादा कॉन्ट्रेक्ट करेगी एज कम्पेयर टू तो स्टील और जब गन मेटल ज़्यादा कॉन्ट्रेक्ट करेगी तो गन मेटल को फाइनल चेंज तक पहुँचाने के लिए सपोर्ट के द्वारा एक पुलिंग नेचर का लोड अप्लाई किया जाएगा तो गन मेटल में, में टेंसाइल स्ट्रेस आएगी और स्टील कम मैग्नीट्यूड से कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो फाइनल चेंज तक पहुंचाने के लिए स्टील पे एक कंप्रेसिव नेचर का लोड अप्लाई किया जाएगा सपोर्ट के, जाएग, के थ्रू तो स्टील पे एक कम्प्रेसिव नेचर का स्ट्रेस आएगा तो नेचर पहले हमें आइडेंटिफाई करना है किस में किस नेचर का स्ट्रेस आएगा बाकी अभी हमने जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझा है सेकेंड कैटेगरी का सेकेंड केस का यही अप्लाई होगा हमें दो अनोन कैलकुलेट करने हैं स्टील और गन मेटल में स्ट्रेस निकालना है सिग्मा की वैल्यू निकालनी है तो सेम यही फिनिना बनेगा सबसे पहले एक इक्वेशन हमें मिलेगी स्ट्रेन के फॉर्म में और दूसरी इक्वेशन हमें मिलेगी लोड को इक्वेट करके तो दूसरी इक्वेशन हमें ये मिलेगी सिग्मा एस और सिग्मा टी के फॉर्म में सिग्मा गन मेटल के फॉर्म में अब दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो हमें बहुत ही ईजिली कॉपर और गन मेटल और स्टील में स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तो सेम यही प्रोसेस हमें अपनाना है यहाँ पर कोई फॉर्मुला याद नहीं करना है बस हमें कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है और बहुत इजिली हम दोनों मेंबर में स्ट्रेस कैलकुलेट कर लेंगे तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे एज Alpha gun metal is greater than alpha steel. So individually, gun metal rod will contract more as compared to a steel tube okay so a pulling load will be applied by support on Gun metal rod and a compressive load will be applied on a steel tube to टेन देम ऑन फाइनल चेंज फाइनल चेंज पे मैंटेन करने के लिए ये एक्टिविटीज़ होंगी कि गन मेटल पर एक पुलिंग नेचर का लोड अप्लाई किया जाएगा और स्टील ट्यूब पर एक टेंसाइल नेचर का लोड अप्लाई किया जाएगा इसकी वजह से क्या होगा कि गन मेटल में कम टेंसाइल स्टर जनरेट होगी और सो so इन Gun metal rod The nature of Stress will be tensile and in steel tube the नेचर ऑफ स्ट्रेस विल बी कंप्रेसिव तो गन मेटल में टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी और स्टील ट्यूब में कंप्रेसिव स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी तो नेचर हमने आइडेंटिफाई कर लिया उसके बाद जब कैलकुलेशन करेंगे तो अगर फार्मूला याद है तो बहुत अच्छा है फॉर्मुला नहीं याद है तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं फाइनल चेंज ऑफ़ स्टील विल बी इक्वल टू फाइनल चेंज ऑफ गन मेटल रॉड फाइनल चेंज स्टील में क्या होगा एल अल्फा स्टील डेल्टा टी इसमें प्लस करना पड़ेगा क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू कम है ये कम कॉन्ट्रैक्ट होगी प्लस सिग्मा स्टील एल डिवाइड बाई ई स्टील और इधर हो जाएगा एल अल्फा गन मेटल डेल्टा टी अब इसमें माइनस करना पड़ेगा अभी हमने सीखा है क्यों सिग्मा गन मेटल लेंथ वाई ई गन मेटल इनको सॉल्व करेंगे जैसे हमने अभी मेंटेन किया था तो इक्वेशन बनेगी हमें सारी वैल्यू अपने पास है यहाँ पे एल की वैल्यू है अल्फा की वैल्यू है डेल्टा टी हमने कैलकुलेट ही कर लिया है हंड्रेड डिग्री सेल्सियस सिग्मा एस हमें कैलकुलेट करना है सिग्मा स्टील और दैट इज एल और एल एल तो कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से ई एस की वैल्यू है सारी वैल्यू यहाँ पे सिवाय सिग्मा एस और सिग्मा गन मेटल के तो सिग्मा एस और सिग्मा गन मेटल में एक इक्वेशन हमें मिलेगी यहाँ पे दूसरा जो इक्वेशन है वो हमें मिलेगा एंड कंप्रेसिव फोर्स विल बी इक्वल टू टेंसाइल फोर्स कंप्रेसिव फोर्स आ रहा है स्टील में दैट इज सिग्मा स्टील इन टू एरिया ऑफ स्टील विल बी इक्वल टू टेंसाइल आ रहा है गन मेटल में तो सिग्मा गन मेटल इंटू एरिया ऑफ गन मेटल रॉड ओके अगेन एक इक्वेशन हमें यहाँ पे मिलेगी सिग्मा स्टील विल बी इक्वल टू ए जी वाई ए एस इन टू सिग्मा जी इक्वेशन नंबर टू अब यहाँ पे भी हमें एरिया दोनों का पता है तो केवल सिग्मा एस और सिग्मा जी के फॉर्म में इक्वेशन बनेगी दोनों की वैल्यू पुट करेंगे सॉल्व करेंगे अब अगेन सिग्मा एस की वैल्यू ले जाके हम इक्वेशन नंबर वन में पुट करेंगे तो वहाँ हमें सिगमा जी मिल जाएगा और अगेन सिग्मा जी की वैल्यू ला के वापस यहाँ पर रखेंगे तो सिग्मा एस मिल जाएगा बाय सॉल्विंग इक्वेशन वन एंड टू वी विल गेट सिग्मा यस सिग्मा इसकी वैल्यू हो जाएगी एट्टी वन पॉइंट अब ये सॉल्व करना है खुद ही आपको एट्टी वन पॉइंट फोर थ्री न्यूटन पर एम एम स्क्वायर और ये किस नेचर की होगी ये होगा कंप्रेसिव सिग्मा एस में कंप्रेसिव नेचर की स्ट्रेस आएगी और सिग्मा जी की वैल्यू मिलेगी 46.27 न्यूटन पर एम स्क्वायर और यह होगा टेंसाइल नेचर की स्ट्रेस तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा बाकी जो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है वो खुद ही करने हैं आपको ठीक है तो इस तरीके से वो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है मैक्सिमम टाइम आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इंडिविजुअल मेंबर्स में कितना स्ट्रेस आ रहा है ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन इन अ कंपोजिट बार तो बहुत ही सिंपल है एक, एक दो बार प्रैक्टिस करनी है और आपको आने लगेगा तो आज के लिए इतना ही थैंक्स फॉर वॉचिंग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में